फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडी. आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज नंबर 35 करेंगे, टिपिकल अप्रोच इन जनरल इंग्लिश. मेजर उस्मान सच्चे देशभक्त थे. सो मेजर उस्मान वॉज अ ट्रू सच्चे पैट्रियट, देशभक्त थे. आप चाहे तो कंट्री लवर से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने वीरता के बहुत से कार्य किए. सो ही, उन्होंने, डिड, किए मैनी ब्रेव डीड्स, बहुत से वीरता के कार्य हो गए. ही सब्जेक्ट हो गया, डिड वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया. इस तरह से समझेंगे तो कभी ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. हमारे देश के वे प्रसिद्ध वीर थे. तो वे के लिए दे नहीं आएगा, बिकॉज वो सिंगुलर है, एक वचन है. थे भी एक वचन है. वह था नहीं अच्छा लगेगा उनके लिए. तो ही वाज, वो थे एक प्रसिद्ध, फेमस वीर. वीर का मतलब हीरो. कहाँ के? ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के. ठीक है, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो हम कुछ इस तरह ट्रांसलेट करेंगे. व्हेन, सब्जेक्ट है पाकिस्तान, आक्रमण किया वर्ब अटैक्ट, और हमेशा उसके साथ ऑन लगाएंगे कश्मीर, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब. जब सेंटेंस में वैन शुरुआत होती है तो बीच में जब तब आता है या तो आता है तो कॉमा लगाएंगे. मेजर उस्मान को देश की रक्षा के लिए भेजा गया, ये पैसिव में सेंटेंस है. तो मेजर उस्मान वाज सेंट, भेजे गए काहे के लिए? रक्षा, टू डिफेंड. किसको? द कंट्री, देश की रक्षा के लिए. राजौरी के युद्ध में वे मारे गए. तो ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ, कहां? राजौरी, कश्मीर में. राजौरी एक जगह है वहां. किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते. बट वी कैन नेवर फॉरगेट हिज ब्रेवरी भी लिख सकते हैं और हीरोइज्म भी लिख सकते हैं. तो ये सब्जेक्ट हो गया, फॉरगेट वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. है ना सिंपल? उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की. सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने ही. कभी है तो नेवर. केयर्ड ऑफ, हमेशा ऑफ लगाएंगे. हिज लाइफ, क्लियर? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. कभी चिंता नहीं की. वह एक बार युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए. वंस, एक बार. ही वाज, बुरी तरह के लिए बैडली, घायल हो गए. वुंडेड, घायल का एक तो इंजरी भी वर्ड आता है इंजर्ड, तो इंजर्ड हमेशा खेल के मैदान में होगा. यहाँ घायल है, खेल के मैदान में चोट लगती है और मैदान जंग में जख्म मिलते हैं और जान पे बनाती है. तो वुंडेड, ही वाज बैडली वुंडेड, या ही वाज वुंडेड बैडली, दोनों तरह से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. युद्ध में, इन द बैटल, युद्ध में उन्हें प्यास लग रही थी. ही वाज वेरी थर्स्टी,
कुछ सिपाही उनके लिए दूर से एक ग्लास पानी लाए, सब्जेक्ट है कुछ सिपाही, तो सम सोल्जर्स ये हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब लाए, आ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी टू हिम उनके लिए, कुछ दूर से के लिए फ्रॉम सम दूर डिस्टेंस, उस वीर ने वह पानी स्वयं न पीकर एक घायल सिपाही को दे दिया, उस वीर दैट ब्रेव या हीरो इंस्टीड ऑफ बजाय ड्रिंकिंग वाटर हिमसेल्फ खुद ना पीकर, जब भी कर लगा हो तो आईएनजी लगाएं, गेव इट दे दिया टू अनदर वुंडेड सोल्जर, दूसरे सिपाही को दे दिया। ऐसे वीर पुरुष को हम सदैव याद रखेंगे, तो वी विल का यूज करेंगे क्योंकि हमेशा करेंगे, वी विल ऑलवेज रिमेंबर ऐसे वीर पुरुष, सच आ हीरो। सो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रांसलेशन कैसा लगा? अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, लॉट्स ऑफ लव।